मातृभूमि भारत की मिट्टी से कई वीर, कई योद्धा, तो कभी रथी तो महारथी निकले। भारत की मिट्टी में करोड़ों कहानियां लिखे गए। उन करोड़ों कहानियों में से एक कहानी है मौर्य सम्राटों की, सम्राट चंड प्रचंड अशोक की। सम्राट अशोक की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि सम्राट अशोक को आज भी लोग अच्छे से जान नहीं पाते। उनके जीवन को आज भी लोग समझ नहीं पाते। कई पहलू हैं जो अनसुनी और अनसुलझी है, जिसकी तेज ने भारत को चमकाया, जिसकी क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी, जिसने भारत को फिर से अखंड बनाया, जिसने भारत को एक नई दिशा दी, जिसने धर्म के लिए अनेकों कार्य किया, जिसकी प्रेम कहानी भी है बड़ी अनोखी और अद्भुत। आज की इस वीडियो में हम उस चंड प्रचंड अशोक के बारे में बात करेंगे। देवानंद प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनका जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ था। पिता थे क्षत्रिय सम्राट बिंदुसार और माता थी ब्राह्मण कन्या सुभद्रांगी। सम्राट अशोक भारत के तेज प्रताप सूर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पोते थे। माता सुभद्रांगी ने अशोक नाम इसीलिए रखा था ताकि ये पुत्र उनकी सारी दुख कष्ट को दूर कर देगा। लेकिन अशोक के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख आया। उनका चेहरा कभी उनके पिता ने देखा नहीं। पिता बिंदुसार अशोक को अशुभ पुत्र मानते थे। आप ये समझ सकते हैं कि ये एक षड्यंत्र था अशोक के खिलाफ बिंदुसार को भड़काने का। पिता के प्रेम से वंचित पुत्र अशोक प्रेम से हो गए दूर और युद्ध के करीब जाने लगे। युद्ध विद्या कौशल निपुणता से भरा उनका शौर्य, उनका साहस अपूर्व अतुलनीय। फिर वह बन गए चंड प्रचंड अशोक मौर्य। पिता बिंदुसार अपनी बड़े पुत्र सुसिम को अगली राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सुसिम एक अयोग्य दुराचारी राजकुमार था। अशोक ने ये ठान लिया था कि एक ना एक दिन वह भारत के सम्राट बन के ही दिखाएंगे और अपने पिता को दिखा देंगे कि वही सिंहासन के योग्य हैं। फिर आती है अशोक के जीवन में पहली पत्नी देवी, जो विदिशा राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी की कन्या थी। बड़े बड़े राजकुमारों का हाथ छोड़कर उन्होंने कुमार अशोक का हाथ थाम लिया। देवी को अशोक पर विश्वास और प्रेम हो गया था। लेकिन देवी से शादी करके अशोक बहुत सारे संपत्ति अपने नाम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सम्राट बनने के लिए संपत्ति और राज्य दोनों की आवश्यकता होती है। फिर उनके जीवन में आई कलिंग की राजकुमारी कारुवा की। बेहद खूबसूरत, निडर, स्वाभिमानी, दयावान राजकुमारी थी कारुवा की। सम्राट अशोक अपनी दिल हार बैठे, क्योंकि कारुवा की थी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कारुवा की। सम्राट अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से मालूम था कि मगध साम्राज्य कलिंग की दुश्मन है। सम्राट चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को पाने की इच्छा हेतु कलिंग पर आक्रमण होते रहे हैं। इसीलिए कारुबाकी को सम्राट अशोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन विधाता को यही मंजूर था। कारुबाकी हुई अशोक की दूसरी पत्नी। अशोक ने किसी भी तरीके से कारुबाकी से विवाह कर लिया। अशोक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने हर जंग जीती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि उन्होंने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों का हत्या भी कर दिया। लेकिन इस बात का सबूत इतना सही तरीके से इतिहासकारों को अभी तक नहीं मिला है। ये एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। लेकिन अशोक का दबदबा और उनका पराक्रम पूरे देश में था, इसकी सबूत हमें हर जगह मिल जाती है। अशोक ने अपनी बड़ी भाई सुसिम की हत्या की, ये बात जरूर सच है। और बिंदुसार के बाद वो भारत के सम्राट बन गए। फिर उन्होंने कलिंग को अपने राज्य में मिलाने की चाह में कलिंग की 1,00,000 से भी ज्यादा सैनिकों को हत्या करवा दी और खून की नदियां बहा दी। लेकिन इस खून की नदी में उनकी क्रूरता भी बह गई। उन्होंने क्रूरता को छोड़ धर्म को अपनाने का फैसला लिया। उस वक्त बुद्ध धर्म ही सबसे ज्यादा भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म सनातन हिंदू धर्म का ही एक शाखा है, इसीलिए सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति लगाव हो गया।
अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने शांति का मार्ग चुन लिया। शांति का मार्ग चुनना अच्छा तो है, लेकिन एक राजा के लिए नहीं। राज्य की सुरक्षा कभी शांति के मार्ग से संभव नहीं होती, कभी कभी ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। यह भी अशोक को सोचना चाहिए था। कहा जाता है कि करुबाकी ने ही अशोक को दान धर्म प्रेम और शांति से जीवन जीने का मार्ग सिखाया। करुबाकी की मृत्यु अशोक से पहले हो गई थी और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। फिर मौर्य साम्राज्य 50 वर्ष तक चल पाया। फिर अत्यधिक शांति प्रिय होने के कारण बाहरी घुसपैठ बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही भारत में होने लगे और भारत की सुरक्षा खतरे में आने लगी। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ इस समस्या को कभी समझ ही नहीं सके, पर इस समस्या को समझ लिए थे उनके सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने। उनको भारत की अखंडता और सुरक्षा के प्रति आशंका और चिंता थी, इसीलिए उन्होंने मौर्य आखिरी राजा बृहद्रथ से यही विनती किया कि शांति के मार्ग को छोड़कर देश की सुरक्षा के प्रति ध्यान दें। लेकिन बृहद्रथ ने एक न सुनी, इसीलिए क्रोध में आकर सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने बृहद्रथ की हत्या की और भारत के सम्राट बन गए और भारत को एक नई दिशा दी। अगर आप पुष्यमित्र श्रृंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यही थी कि सम्राट अशोक की दास्तान। भारत की ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो देश अपना इतिहास नहीं जानता वो विश्व में क्या इतिहास बनाएगा। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। जय भारत।